वेलकम टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स इन माई यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार। देखिए आज हम बात करेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स बता दें कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी के नीचे सब्सक्राइब बटन है, पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स और वहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे। जो फ्रेंड्स पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। चलिए हम शुरू करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए क्या है कि वेन एवर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स बिकम लिमिटेड तो प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है। द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशियंट वैन प्रजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो देखिए हम यहाँ से बात कर रहे हैं टर्म क्रिटिकल कंसंट्रेशन की। तो पौधों से जब हम बात करते हैं कि जो अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि जो होती है वो अवरुद्ध कर जाती है, रिटार्डेड हो जाती है। फिर क्या है कि अनिवार्य जो तत्व हैं वह सांद्रता जिसमें कि कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है वह क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है इसलिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन के कम होने पर तत्व भिन्न हो जाता है। ठीक है, द एलिमेंट इज सेट टू बी डेफिशियंट वेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो क्या है कि सिंस द ईच एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन प्लांट्स कि प्रत्येक तत्व की पौधों में एक या एक से अधिक विशेष संरचनात्मक और कार्यात्मक भूमिका होती है। तो इन द अब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशियंसी एंड आर कॉल्ड डेफिशियंसी सिम्टम्स। तो जो उक्त तत्व हैं इनकी कमी से पादपों में कुछ आकारिकी बदलाव आते हैं। ये जो बदलाव होते हैं तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं जिसे अपर्याप्त संबंधी लक्षण कहते हैं, यानी कि इनको डेफिशिएंसी सिम्टम यानी कि अपर्याप्त संबंधी लक्षण कहते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट एंड दे डिसअपीयर व्हेन द डेफिशिएंट मिनरल्स न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट्स। तो जो अपर्याप्तता के लक्षण होते हैं ये तत्व के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और पौधों में इस तत्व की आपूर्ति करने पर ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं, यानी कि जब हम इनको ये न्यूट्रिएंट्स दे देंगे तो ये जो लक्षण है वो लक्षण गायब हो जाएंगे। तो दे डिसअपीयर व्हेन द डेफिशिएंट मिनरल्स न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट। हाउएवर इफ डिप्रिवेशन कंटिन्यूज इट मे इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट्स। होता क्या है यदि यह कमी जो है लगातार बनी रहे तो अंततः पादप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हाउएवर इफ तो पादप की मृत्यु हो जाएगी। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट शो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स आल्सो, ठीक है, आल्सो डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट। ठीक है, मोबिलिटी इन द प्लांट्स दैट शो द डेफिशिएंसी सिम्टम्स आल्सो डिपेंड on the mobility of the element in the plants. For element that the actively mobilized within the plants and exported to young developing tissue, the deficiency symptoms lead to appear first in the older tissues. For example, the deficiency symptoms of nitrogen, potassium and magnesium are visible first in sentence leaves. In order to leaves, biomolecules containing these elements are broken down, making these element available for mobilizing to younger leaves. यानी कि जो ये जो पादप जो
अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं, उक्त तत्व की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं। पादपों में जहाँ तत्व सक्रियता की गतिशीलता रहते हैं और तरण विकासशील ऊतकों में निर्यातित कर दिए जाते हैं, वहाँ अपर्याप्तता के लक्षण पुराने ऊतकों में पहले प्रकट होते हैं। यानी कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम और मैग्नीशियम है, इनकी जो डिफिशेंसी सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले हमें जो सेनेसेंस लीव्स हैं उनमें हमें पहले दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टू अपियर फर्स्ट इन यंग टिश्यू व्हेन एवर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट ऑफ सल्फर एंड कैल्शियम। जो सल्फर और कैल्शियम है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं कि जो सल्फर और कैल्शियम है, ये जो तत्व हैं सल्फर और कैल्शियम, ये तत्व हमें यंग लीफ में, यानी कि जो ये इमोबाइल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल होते हैं, नॉट इजीली रिलीज्ड, क्योंकि ये जो कंपोनेंट हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं और ये रिलीज नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो तत्व, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो तत्व नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये अपर्याप्तता के लक्षण इनमें जो पुराने पत्तियां हैं उनमें दिखाई देते हैं, और पुरानी पत्तियों की जिनमें जैव अणुओं में ये तत्व होते हैं वे विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किए जाते हैं। जब तत्व अगतिशील होते हैं और वयस्क अंगों से बाहर अवगमित नहीं होते हैं तो अपर्याप्तता लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होते हैं। यानी कि जब वो गतिशील नहीं होंगे तो नई पत्तियों में लक्षण प्रकट होंगे। उदाहरण के लिए कैल्शियम, जो कि कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है, ये आसानी से रूपांतरित नहीं होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिशन प्लांट्स इज ऑफ ए ग्रेट सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो क्या है कि पौधों के खनिज पोषण का यह पहलू कृषि और उद्यान विज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। फिर अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें यह है कि काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो इन ए प्लांट इंक्लूड क्लोरोसिस, नेक्रोसिस एंड स्टंट प्लांट ग्रोथ, प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स इन वर्ड्स एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स। दिस सिम्टम्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मॉलिब्डेनम। लाइकवाइज नेक्रोसिस ऑफ डेथ ऑफ टिश्यूज, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू, इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम। लेक और लो लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम कॉजेज द इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सम एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम डिले फ्लावरिंग इन देयर कंसंट्रेशन इन द प्लांट इन लो। देखिए है क्या कि जब देखिए नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस में हो जाता है डेथ ऑफ टिश्यूज, और क्लोरोसिस में क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स। तो नेक्रोसिस के लिए और क्लोरोसिस के लिए और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिले फ्लावरिंग के लिए हमने एक पहले वीडियो लेक्चर एक ट्रिक का बना दिया है जिसको आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर के सतन ज्ञान संसार में। और आपको ये जैसे कि ट्रिक जो बता देते हैं कि जो क्लोरोसिस है उसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, मोशन मेरे जिंदगी का मांगे आयरन, ठीक है, और नेक्रोसिस के लिए बनाई ये ट्रिक हमने काकू का मग, काकू का मग, और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए बनाई है मोशन के या सनम के, और डिले फ्लावरिंग के लिए बनाई है मोशन। तो इनको आप वहाँ से जा कर के इन देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको चैनल में जो बातें बताई जा रही हैं अगर पसंद आ रही हैं तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दी फर्दर अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स।
ठीक है, इनके ज़्यादा होने पर उनके क्या होता है, पॉइजनिंग की स्थिति आ जाती है किस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।